का सामना करना खिलाफ लोडशेडिंग खिलाफ ते वक्त अवाम तुम से अजरो हटेना ताल्लुक जरूर जिता कम खलक थी कई शहर तकरीबन अत घंटोना जी टी रोड दा हटिया बुरहान रोड खबर बंकल दे नाज़रीन आप देख सकते हैं जैसे कि ये हारों के भी यहाँ पर एक किलोमीटर के बाद यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के एरिया शुरू हुआ। यहाँ सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ यहाँ से भी, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एहतजाज शुरू किया सुबह 5:30 बजे लोगों ने, वह चलते चलते छा शुरू किया यहाँ से तकरीबन 8 या 10 किलोमीटर के एरिया पर वह पैदल और कुछ मोटरसाइकिलों पर मार्च करते पहुँचे और वहाँ पर खैबर न्यूज़ की टीम आई हुई है जो वहाँ पर कवरेज दे रही है। इस वक्त ये हम अरुण के एरिया और यहाँ पे जहाँ पुलिस प्रदान थोड़ा सा कम होता जा रहा है और एहतजाज हाथों के एरिए में पहुँचता है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा लोगों का हालात मालूम कर दिए, उन्होंने किस वजह से सुबह 5 बजे मोटरवे को ब्लास्ट किया है और यहाँ से थोड़ी देर बाद आज हम तकरीबन 10 जड़ों बिजली है लगातार 5 मिनट आनी है 24 घंटे खड़े ठीक है 5 मिनट आनी 24 घंटे खड़े बिजली देने ही नहीं यासीन रोटी कपड़ा मकान रात की तरफ से, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से एक गाड़ी आ रही है जिसको अभी नाजरीन जो है रोकने वाले हैं। सबसे पहले ये गाड़ी है, इसको उन्होंने रोक दिया है। नाल
फेर की बंदी की एक जख्मी भी होया भूख लगी गोली लगी मोटर साढ़ा बंद सरकार को गोली लगी की वोट कर फिर उस बाद सारी दुनिया की रोड फिर गड्डी भी ट्रैफिक नहीं पत्थर कार करी बंदी थोड़ी ट्रैफिक वाला आया उस भी उस मारे चारे चारे आओ मोटर नागरिक जी हम खैबर पख्तूनख्वा के फर्स्ट एरिया में है यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ हमारे बल्कि उनको जो है मार पिटाई के बाद उन्होंने मोबाइल और पर्स ले लिया है मोबाइल और रख लिए हैं यहाँ पर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और यहाँ साफी जब कवरेज के लिए पहुँचे गए तो कैमरा छीनने की कोशिश की गई है और बार बार ये कह रहे हैं कि आप जितनी हद तक हो सके आप ये करें कि ये कैमरा बंद करें तो अभी ये आए देखते हैं इनका क्या मसला है बैठे बन तो सेकंड बन चाह